हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शर्ट की सिलाई। यहाँ पर सबसे पहले मैं बैक साइड में ऊपर जो हमने 4.5 इंच का मैंने कपड़ा कटिंग किया था उस पर मैं नीचे का हिस्सा रख के सिलाई लगाऊंगी। पहले मैंने शोल्डर का हिस्सा थोड़ा छोटा कटिंग किया था और नीचे का चौड़ा कटिंग किया था ताकि बीच में हमारी प्लीट्स आ जाए। हमारी शर्ट थोड़ी लूज़ बनेगी इसीलिए मैंने नीचे से चौड़ा हिस्सा रखा था और हमने शोल्डर बिल्कुल नाप के लिए थे। ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक बॉक्स प्लीट्स बना लूँगी। इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप कटिंग की वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए ये कटिंग कैसे करनी है। ये देखिए, अब मैं इस पर दूसरा हिस्सा रखूँगी। हमने शोल्डर के ऊपर वाले हिस्से दो कटिंग कर लिए थे, एक हिस्सा अब मैं इस तरफ रख के सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से रेडी हो गया है ये बैक साइड। अब यहाँ पर मैं किनारे पर 5 नंबर की सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा कपड़ा फिक्स हो जाए और हमारे सीने में आसानी हो। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर अब मैं शोल्डर जॉइंट करूँगी। मैंने 1/2 इंच का गैप छोड़कर सिलाई लगाई है, डबल सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैंने जो फ्रंट में 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ा था हम उसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें 2 इंच की पट्टी लेकर ही फोल्ड करनी है, डबल फोल्ड करके। ये हमारा फ्रंट है जो ओपन रहेगा। ये देखिए, हम दूसरी साइड की भी डबल फोल्ड करके पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है और हमें एक सरखी ही पट्टी फोल्ड करनी है। ये देखिए, पट्टी रेडी है। यहाँ पर मैंने गले पर थोड़ा गला चौड़ा कटिंग किया था, उस पर मैंने बीच में एक प्लीट्स ले ली है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर कैनवास पर मैं कॉलर की कटिंग करूंगी। कॉलर की पट्टी हमने 19 इंच की लंबाई ली है, 4 इंच की चौड़ाई ली है। कॉलर हमारा 17 इंच का बनेगा। 2 इंच ज़्यादा लेना है हमें कैनवास लंबाई में, चौड़ाई में 4 इंच लेना है। यहाँ पर अब देखिए, मैं 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। कैनवास को डबल फोल्ड करके मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है और ऊपर मैं 9.5 पर निशान लगाऊंगी। देखिए, अब यहाँ से मैं मिडल में 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ कॉर्नर में मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। और ये देखिए, अब मैं दोनों निशान मिलाकर क्रॉस लाइन बना लूँगी, 8.5 और 9.5 इंच के निशान को मिला लूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने 3 इंच पर मिडल में निशान लगाया था उसे मैं कॉर्नर के 4 इंच के निशान से मिला लूँगी। इस तरह से हमें कॉलर की शेप देनी है। ये देखिए, इस तरह से शर्ट कॉलर बनेगा। अब कटिंग कर लेंगे हम कैनवास को और इसे हम कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, कैनवास को मैंने कपड़े पर प्रेस की मदद से चिपका लिया है। यहाँ पर अब मैं कैनवास की साइड की कपड़े की पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। कैनवास की किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से हमारा कॉलर रेडी है। इसे पलटकर मैंने नोक दोनों तरफ से निकाल ली थी। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल मिडल में रखूँगी, सीधा शर्ट का हिस्सा सीधा रखूँगी
और कॉलर जो हमने कैनवास चिपकाया है वो हिस्सा नहीं रखूँगी मैं, कपड़े वाला हिस्सा रखूँगी सीधे शर्ट पे। और मैं इसको मिडल से अटैच करूँगी, मिडल से ले जाते हुए मैं आगे तक लाऊँगी। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए कॉर्नर तक बिल्कुल हमारा कॉलर सही से आ जाना चाहिए। अगर आपका मेजरमेंट सही होगा तो आपका कॉलर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। देखिए इस तरह से मैंने कॉलर को सी लिया है कपड़े की तरफ से। अब यहाँ पर मैं शोल्डर की तरफ थोड़े कट लगा दूँगी दोनों शोल्डर पर, ताकि हमारे कॉलर को हमारे बिठाने में आसानी हो जाए कॉलर सीने में। ये देखिए इस तरह से मैं नोक निकाल लूँगी। यहाँ पर देखिए मैं मिडल का हिस्सा जो कट के निशान लगाए थे वो मिलाकर वहीं से मैं सिलाई लगाऊँगी कॉलर पर। मिडल से ही सिलाई लगाएंगे तो दोनों तरफ हमारा कॉलर सही से आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमें कैनवास तक कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। फिर हम ऊपर किनारी पर सिलाई लगाते हुए देखिए इस तरह से पूरे हिस्से में हम सिलाई लगाएंगे। बीच में हम धागे को कट नहीं करेंगे, सिलाई नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए अब इसी तरह से हम इस तरफ के भी कॉलर को हम सिलाई लगाएंगे, पैक करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई को घुमाकर लगाई है, बीच में कहीं भी कटिंग नहीं किया है धागा हमने। देखिए हमारा कॉलर लग गया है। ये देखिए इस तरह से कॉलर बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स के कफ बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 11 इंच चौड़ाई ली है, लंबाई ली है कफ की, और 5 इंच चौड़ाई ली है। ये 11 इंच के मैंने जो कफ बनाए थे ये थोड़े लूज़ हो गए थे, तो अगर आप बनाओ तो आप इसका नाप कम कर सकते हो। 10 इंच का भी बना सकते हो आप, ये थोड़े लूज़ हो गए थे मेरे कफ। ये देखिए हमें कैनवास की किनारी पर सिलाई लगाकर इसे अब सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स के नीचे की साइड पर आधा इंच का कपड़ा छोड़कर 5 नंबर की सिलाई लगा लूँगी। जहाँ पर हमारे कफ लगेंगे उसी साइड पर हमें 5 नंबर की सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें ऊपर के धागे को पकड़कर खींचना है तो हमारी ये बन जाएगी प्लीट्स। अब यहाँ पर मैंने आस्तीन को फोल्ड करके साइड पर मैंने 4 इंच ऊपर तक निशान लगाया है, और हम इसे देखिए पतला बिल्कुल बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए 4 इंच पर मैंने निशान लगाया था, वहीं से बिल्कुल बारीक फोल्ड करके हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर जो मैंने कफ बनाया था उसके जो एक साइड है जहाँ पर कैनवास नहीं लगाया है उस कपड़े को हम ऊपर से फोल्ड कर लेंगे, जितना एक्स्ट्रा है वही फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से कफ लगाने में आसानी रहेगी। ये देखिए अब मैंने इस तरह से स्लीव्स को कफ के बीच में रखा है और मैं सिलाई लगा दूंगी ऊपर कैनवास की किनारी पर
बिल्कुल किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगानी है, सिलाई टेढ़ी ना हो, आराम आराम से लगानी है ताकि हमारे स्लीव्स अच्छी लगे, फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए हमें कप के नाप के बिल्कुल स्लीव बनानी है। बीच में हम इसमें ये गेजिंग्स ले लेंगे। इसकी जो चुन्नट है वो बिल्कुल बीच में आनी चाहिए, सेंटर में। अब यहाँ पर मैं एक पैर का गैप छोड़कर कफ में चारों तरफ सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए हमारी स्लीव रेडी है। ये देखिए हमारी स्लीव्स बन के तैयार हैं। अब यहाँ पर मैं शोल्डर का निशान मिडल का लगाकर स्लीव्स लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर हमें किनारी से स्लीव लगानी है, मिडल से नहीं लगानी है। ये देखिए बीच में जो कपड़ा एक्स्ट्रा है स्लीव्स का, उसके हमें इस तरह से चुन्नट ले लेनी है। बिल्कुल बारीक बारीक लेनी है हमें प्लीट्स। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसकी सारी हमें बारीक बारीक प्लीट्स ले लेनी है। ये देखिए अब हम स्लीव्स कंप्लीट करेंगे। डबल सिलाई लगा ली थी मैंने स्लीव पे। अब यहाँ पर मैं साइड पैक करूँगी, तो जो हमने पट्टी फोल्ड की थी वहीं से मैं सिलाई लूँगी। 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं सिलाई लगा दूँगी और हिप्स के पास से मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ूँगी और नीचे तक सिलाई ले आऊँगी। और नीचे की मैंने पट्टी फोल्ड करके ये देखिए शर्ट